उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी के इन शब्दों के साथ मैं गुलशन पाटीदार, डायरेक्टर भक्ति एकेडमी इंदौर, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज 19 तारीख है, 19 अक्टूबर 2019 हमेशा से मेरा फेवरेट नंबर रहा है। आज ये तारीख और इसलिए खास हो जाती है कि कल 18 अक्टूबर 2019 को भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट आया, जिसमें हमारे 3 स्टूडेंट्स अंकिता शर्मा, देवांगना और शिवा ने, इन तीनों का फाइनल सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए हो गया है। देखिए, जब बैंक सबसे बड़ा है तो कॉम्पिटिशन भी स्वाभाविक तौर पर काफ़ी बड़ा रहा होगा। एक अनुमान के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, लगभग 10 लाख फॉर्म इस एग्ज़ाम के लिए भरे गए थे। 2018 का डाटा है ये कि 10 लाख के आसपास आवेदन हुए थे। 2019 में भी लगभग इतने ही आवेदन आए होंगे। 10 लाख लोगों ने जब अप्लाई करा तो नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो केवल 2000 थी। सफलता का प्रतिशत मात्र 0.2। जी हाँ, आपने सही सुना, 0.2% सक्सेस का चांसेस थे। लेकिन उसके बाद भी हमारे इन स्टूडेंट्स ने फाइनली इसमें सेलेक्ट होकर बताया है वो क्या बातें थीं जिनकी वजह से ये सेलेक्ट हो गए और इन्होंने कैसे अपनी प्रिपरेशन करी, ये इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता शर्मा। मेरा हाल ही में SBI PO 2019 क्लियर हुआ है। ये मेरा पहला अटैम्प्ट था और मैं बस 21 ईयर्स की हूँ। मैंने मेरी बैंकिंग की प्रिपरेशन भवती अकेडमी से की है। रिज़ल्ट आने के बाद मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने कभी भी अपना रिज़ल्ट खुद से नहीं देखा, हमेशा मैं मेरे फ्रेंड्स को ही बताती थी कि वो मेरा रिज़ल्ट देखें, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो जाती थी। तो इस बार भी मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फ़ोन किया कि मेरा रिज़ल्ट आ गया एंड आई हैव गॉट सिलेक्टेड। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड आफ्टर दैट आई चेक माई रिज़ल्ट अगेन। उसके बाद मैंने मेरे पापा और मेरे फैमिली को भी क्रॉस चेक, मेरे सर को भी क्रॉस चेक करवाया, तब जाके मुझे बिलीव हुआ कि मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया है एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड एंड एक्साइटेड राइट नाउ। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ मेरी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने इंग्लिश के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर प्रेफर किया था। मैं उसे पूरा अपने दिन का एक घंटा देती थी और जितना भी मैं समझ सकती थी मैंने उससे समझा है और मुझे इंग्लिश में बहुत हेल्प किया। मैंने कभी इंग्लिश को अलग से टाइम नहीं दिया। वॉट एवर आई रीड इन न्यूज़पेपर, दैट हेल्प मी अलॉट। एंड फॉर GA, मैंने GA के लिए हिंदू का ही एक ऐप डाउनलोड करके रखा था, उसी को मैं रात को हाफ एन आवर देती थी और वन लाइनर्स जितने भी आते थे मैं उससे पढ़ती थी। फॉर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग आई प्रिफर्ड द नोट्स गिवन बाय भवती अकेडमी सर, गुलशन सर, एंड वो मुझे बहुत हेल्प किया। उन्होंने बहुत प्रॉपरली फंडामेंटल बेसिक्स से हमें पढ़ाया था और वो मुझे मेरे प्री और मेंस के लिए बहुत हेल्प किया था। यहाँ पर मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कुछ एडवाइस करना चाहती हूँ। इंग्लिश इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। जैसे मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है तो मुझे द हिंदू न्यूज़पेपर को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई, पर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। 10 दिन 15 दिन 20 दिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको उसको कंटिन्यूएशन में लाना है और एक ना एक दिन आपको वो अंडरस्टैंड, आप उसको समझने लगेंगे। न्यूज़पेपर के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा और वो आपकी इंग्लिश को हेल्प करेगा, इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा। तो जैसे कि मैं वेब सीरीज़ प्रेफर करती थी विद सबटाइटल्स, मैं पहले सबटाइटल्स से देखना स्टार्ट किया, फिर मैंने सबटाइटल को छोड़ के सिर्फ डायरेक्ट स्क्रीन पे देखा और वो समझने की कोशिश करी। तो जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उसको फॉलो करें, जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और आपका माइंड भी फ्रेश होगा, क्योंकि इतना प्रिपरेशन के बाद में हम लोग थोड़े से बर्डन फील करने लगते हैं। तो हमारे माइंड को फ्री करने के लिए, फ्रेश करने के लिए आप जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसको प्रेफर करें और उसको देखें। फ्रेंड्स, मैंने कभी भी लेट नाइट स्टडी प्रेफर नहीं करी। मैं हमेशा मॉर्निंग आवर्स प्रेफर करती हूँ हमेशा पढ़ाई के लिए। मैं 6:30 पे उठती थी और 7:30 शार्प पे मैं मेरी स्टडी टेबल पे बैठ जाती थी। जब मेरे बेसिक्स फंडामेंटल सारे क्लियर हो गए उसके बाद फिर मैंने मॉक देना चालू किया।
एक घंटा मॉक देने के बाद में मैं उसको हाफ एन आवर एनालाइज करती थी, क्योंकि एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। मॉक देने के बाद में कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ आप गलत जा रहे हो, उसको एनालाइज करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो मैं उसको एनालाइज करती थी। आफ्टर दैट आई टुक ब्रेक। उसके बाद में फिर मैं प्री लेवल की तैयारी मैंने सिर्फ मॉक से करी। उसके बाद मैंने 2 घंटे मैथ्स को दिए, 2 घंटे रीजनिंग को दिए, और उन 2 घंटे में मैं सिर्फ हाई लेवल पजल्स और क्वांट की प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद में फिर मैं ब्रेक लेती थी, आई स्लीप फॉर 2 आवर्स, क्योंकि माइंड को रिफ़्रेश करना और स्टेबल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर मैं उठती थी और 1 घंटा द हिंदू न्यूज़पेपर को टोटली डिनोट करती थी। उसके बाद में फिर मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी, और उसके बाद में फिर मैं जीए के लिए स्पेशली मैं जो वन लाइनर्स होते हैं, जो डेली अपडेट होते हैं, वो पढ़ती थी, और उससे मेरा जीए भी अपडेट रहता था। एंड दैट्स इट, आई प्रिपेयर्ड दिस मच ओनली। मेरी लाइफ में मेरे इंस्पिरेशन मेरे पापा और मेरी दीदी रहे हैं। उन दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत हार्डशिप्स और फेलियर्स देखे हैं, उसके बाद भी उन्होंने गिव अप नहीं करा। मेरी दीदी की अगर मैं बात करूं तो उसने 1-2 बार फेलियर देखा है, और नाउ शी इज़ एंड शी नेवर गिव अप, एंड नाउ शी इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड शी इज़ अर्निंग वेरी वेल। तो मुझे मेरे पापा और मेरी दीदी ने बहुत इंस्पायर किया है। मेरे पापा हमेशा मुझे ग्राउंडेड रखते हैं, वो कभी भी मेरी तारीफ़ नहीं करते। इवन आई एम राइट नाउ सिलेक्टेड, उसके बाद भी पापा ने मुझे बस थोड़ा सा मोटिवेट किया और ज़्यादा तारीफ़ नहीं करी, क्योंकि वो उनका तरीका है मुझे ग्राउंडेड रखने का, और वो मुझे बहुत पसंद है। और अगर मैं और बात करूँ तो मेरी इंस्पिरेशन वो सारे बच्चे हैं जो 3 से 4 साल तक तैयारी कर रहे हैं और वो कभी गिव अप नहीं कर रहे। तो मैं जब भी उन लोगों को देखती थी तो मैं बहुत इंस्पायर होती थी और हमेशा अपना 100% देती थी। अगर क्लासरूम की मैं बात करूँ तो क्लासरूम में बच्चे कुछ जो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो मुझसे ज़्यादा शार्प है, वो एग्जाम्पल वो अपने क्वेश्चंस के आंसर देते थे, तो मुझे बहुत कॉम्पिटिटिव फील होता था और मुझे बहुत इंस्पायरिंग फील होता था। इसीलिए मैं और अपना मेहनत करती थी, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मैं उनसे ज़्यादा आंसर्स दे पाऊँ, और यही मेरी सारी इंस्पिरेशंस है। ऐसा नहीं है कि SBI PO 2019 मेरा बैंक का पहला एग्जामिनेशन था, ये मेरा 3rd एग्जामिनेशन था। 2018 में मैं एलिजिबल हुई, और उसी टाइम पे मैंने IBPS PO और IBPS क्लर्क दोनों फॉर्म फिल किए थे, जिसमें मेरे दोनों के प्री कन्वर्ट हो गए थे। PO का मेरा मेंस कन्वर्ट नहीं हो पाया, बट आई वॉज प्रिटी श्योर अबाउट IBPS क्लर्क कि वो मेरा निकल जाएगा। बट जब April 1st को रिजल्ट आया तो मेरा IBPS क्लर्क भी नहीं निकला, तो मैं बहुत डिसहार्टेंड थी, बहुत डीमोटिवेट हो गई थी। पर मेरी फैमिली ने और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फिर मैंने अपने आप को वापस रिकलेक्ट किया, और आज मैं आप सबके सामने हूँ। मेरा फाइनल सिलेक्शन SBI PO 2019 हो गया है। फ्रेंड्स, अगर मैं मेरी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो मैं बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ, मेरे अंदर कॉम्पिटिटिवनेस बहुत है। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे कुछ अच्छा करता था तो मैं उससे बहुत इंस्पायर होती थी और हमेशा कोशिश करती थी कि मैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश करूँ। और मैं अपने डिस्ट्रैक्शंस को बहुत लिमिट में रखती थी, मैं बहुत सेल्फ कंट्रोल्ड हूँ। मैंने जब मेरी बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तभी सारे सोशल मीडिया के ऐप्स सब अनइंस्टॉल कर दिए थे। और मैं ही आपको ये एडवाइस करना चाहूँगी कि जब भी आप प्रिपेयर करें, अपने डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट में रखें और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने टाइम को एकदम परफेक्टली यूटिलाइज़ करें। अदर देन दैट, माय स्ट्रेंथ इज़ माय मदर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, शी इज़ माय फ्रेंड। जब भी मैं थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट होती थी तो वो मुझसे बात करती थी, वो मुझे समझाती थी। इवन बीइंग अ गर्ल, बहुत सारे काम होते हैं घर के, पर उन्होंने कभी मुझे डिस्टर्ब होने नहीं दिया। कोई भी रिलेटिव आता है, कब चला जाता है, मुझे नहीं पता चलता था, क्योंकि वो हमेशा मुझे मेरा टाइम हमेशा स्टडीज़ के लिए उन्होंने डिनोट किया था। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ, जो भी मैं आज हूँ वो मेरी मम्मा की वजह से। आई वुड लाइक टू गिव अ मैसेज टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ। मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि ग्रुप स्टडी पे फोकस ना करें। जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल देके आपको बताऊँगी कि मैंने कभी ग्रुप स्टडी नहीं करी, मैं हमेशा सेल्फ स्टडी में बिलीव रखती थी,
क्योंकि बैंकिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको ग्रुप होकर पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड सिलेबस है, उसको अगर आप रिवाइज करें, सेल्फ स्टडी करें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अपने हेजिटेशन को साइड में रख दीजिए, बेशरम होके डाउट्स पूछिए, जितने डाउट्स आपको आते हैं उतने डाउट्स पूछिए, ये मत सोचिए कि कोई और क्या कहेगा, क्योंकि सिलेक्शन होगा तो आप लोगों का ही होगा और नहीं होगा तो आपका ही होगा। किसी दूसरे का सोच कर अगर हम चलेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। और मैं आप सबसे ये और कहना चाहती हूँ कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा सा लिमिट में रखें और कभी भी गिव अप नहीं करें, क्योंकि अगर आपको कभी भी ये थॉट आए कि हमें गिव अप कर देना चाहिए तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था, मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों करी थी। उससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, आज आप लोग जहाँ पर हैं, जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, इससे 4-5 महीने पहले मैं भी उसी सिचुएशन में थी, मैंने भी तभी पढ़ाई करी थी, पर आज मैं आप सबके सामने हूँ एज़ SBI PO। तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि एक पॉजिटिव इंटेंट होना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आप अगर हार्ड वर्क करेंगे, साथ में स्मार्ट वर्क भी करेंगे, तो आप एक सक्सेसफुल करियर परस्यू कर सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।